हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की रचना करते हुए भगवान कौन सी कमी छोड़ दिए थे जिससे कि देवदूत परेशान हो गए थे। दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझना ही नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वो भी इन्हें नहीं समझ सकता, और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी, और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। दोस्तों, दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे, और उसके बाद भी रचना चलती रही लेकिन पूरी ना हो सकी, अभी ये अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज़्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर आपको इसको बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगाया। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? के गुण देखे हैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूँ? ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हर हालात में कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, कभी भी डिगती नहीं है, हमेशा हर परिस्थिति में संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक हो, सबको खुश रखती है। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है वह न केवल अपना ध्यान बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखती है। तो देवदूत, तुम ही बताओ कि जिस नारी की मैं रचना कर रहा हूँ उसमें इतना समय लगना चाहिए कि नहीं? देवदूत, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों, देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल आपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत बिल्कुल, इसका कारण तो ये मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और जब उसे गाल पर हाथ लगाया तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, यह तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी? तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है कि उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज़्यादा यह नाजुक है इससे ज़्यादा नाजुक कोई रचना नहीं होगी, और यह उतना ही ज़्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसमें ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है लेकिन इसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमज़ोर है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।